नवरात्रे में देवी जी की जो बाती लगाई जाती है वो लंबी लगाई जाती है। लंबी बाती का प्रमाण अलग होता है। लंबी बाती क्यों लगाई जाती है? भगवान के मंदिर में दीप में देवियों की पूजन में लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। कौन से देवता क्या लंबी बत्ती लगती है और कौन से देवता क्या गोल बत्ती लगती है उसका भी प्रमाण वर्णन। किसी देवी की पूजन करो तो लंबी बत्ती आती है, कुल देवता की पूजन करो तो लंबी बत्ती आती है। किसी मंदिर में किसी देवता को लगाने जाओ तो गोल बत्ती लगती है उसका भी प्रमाण है। लंबी बत्ती जहां लगाई है अगर लक्ष्मी के सामने लगाई है तो लक्ष्मी की लंबाई बढ़ती है, लक्ष्मी की वृद्धि बढ़ती है। अगर कुल देवता के नाम की लगाई है तो वंश की वृद्धि होती है। इसलिए हमारे यहाँ अमावस्या पूनम को जो पाटे वाटे भराते हैं उसमें गोल बत्ती नहीं लंबी लगाई जाती है जिससे हमारा वंश बढ़े। नवरात्रे में देवी जी की जो बाती लगाई जाती है वो लंबी लगाई जाती है, गोल नहीं। क्यों? क्योंकि जिससे माँ हम पर कृपा बनाकर रखे हमारा वंश खूब बढ़े, हमारे यहाँ लक्ष्मी की वृद्धि हो। स्थिर बाती गोल बाती लगाई जाती है ब्रह्मा के मंदिर में, इंद्र के मंदिर में, देवता के मंदिर में। तुलसी के सम्मुख में लंबी बाती नहीं लगती, तुलसी के सम्मुख में गोल बाती लगाई जाती है जिससे स्थिरता का भाव केंद्रित हो। पीपल के वृक्ष के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, बड़ के पेड़ के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, आंवले के पेड़ के नीचे कभी गोल बाती नहीं लगती, आंवले के वृक्ष के नीचे लंबी बाती लगना चाहिए।